अगस्त 15, 2022 को भारत आजादी पाकर 75 साल पूरे कर रहा है। भारत की आजादी का अमृतोत्सव मनाने के लिए हमारे सरकार ने तो ऑलरेडी काफी सारी योजनाएं बना ली हैं। भारत की आजादी के बारे में और आजादी के लिए भारतीयों ने सामना किए हुए मुसीबतों के बारे में और लड़ाइयों के बारे में हमें स्कूल में जो पढ़ाया गया है हम उसी से जानते हैं, इसीलिए इस बात को आपके सामने रखना मुझे जरूरी लगा। स्वतंत्रता दिवस कहते वक्त हमें सबसे पहले महात्मा गांधी जी याद आते हैं, क्योंकि हमें बचपन में भी, मुझे आपके बारे में नहीं पता लेकिन जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था तब हमें भारत को आज़ादी कैसे मिली कह के एक सवाल था, और उसका जवाब भारत को आज़ादी महात्मा गांधी जी द्वारा की गई अहिंसा आंदोलन द्वारा प्राप्त हुई कह के पढ़ाया गया था, और हम भी वही पढ़कर बड़े हुए हैं। उस वक्त पाठ्य पुस्तकों में जो लिखा था वही हमारे लिए इतिहास था। इंग्लिश भाषा में एक प्रसिद्ध कहावत है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स ऑफ द वॉर कह के, मतलब जंग जीत कर आने वाले जो कहते हैं वही इतिहास है। ये सब जगह पे होता है और ये हमारे देश में भी हुआ है। आजादी के बाद सत्ता में आई सरकार ने अपने सुविधा के अनुसार सिर्फ कुछ विषयों को ही लोगों के सामने रखा। इससे कुछ लोगों के कामों को महान कार्य के सम्मान मिलना और जिन्होंने सच में एक अप्रतिम काम किया था उनको सही पहचान ना मिलने के बारे में आपको तो पता ही है। इसी कड़ी में आने वाला और एक विषय है महात्मा गांधी जी और उनका अहिंसक आंदोलन। उस समय में आज की तरह माध्यम नहीं थे, विश्व भर में क्या चल रहा है कहके आम जनता को पता नहीं रहता था। भारत की आजादी में प्रमुख भूमिका निभाने वाली अंतरराष्ट्रीय राजनीति और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में एक गंवार आदमी को उतना पता नहीं था, और भारत को आजादी भारतीयों के जंग के नतीजे से ही मिली है ना ही किसी विदेशियों के संघर्ष से कहके दिखाने के लिए। भारत को आजादी गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से मिला कहके बताया जाता है। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के बारे में लोग काफी परिचित थे, इसीलिए उनको इस बात को मानने में कुछ परेशानी नहीं हुई। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे स्कूलों में आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे की असलियत जानने की कोशिश ज्यादातर कोई नहीं करते हैं। अगर कोई इसके बारे में बात भी करेंगे तो वो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं कि उनको देशद्रोही का नाम दिया जाता है। इंटरनेट के इस जमाने में भी, उंगलियां घुमाने से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जाने वाले इस समय में भी इसके बारे में कोई खास ध्यान नहीं देता। अरे आज़ादी मिल गई ना बस कहके चुप बैठ जाते हैं। यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी के बारे में गलत कहना नहीं है। हमारे आज़ादी के लिए जिन लोगों ने भी अपना खून और पसीना बहाया है उन सबके ऊपर मुझे गर्व है और अभिमान भी है। यहाँ मेरा उद्देश्य मेरे दर्शकों को सिर्फ थोड़ी सच्चाई का सामना करवाना है। 1947 में सिर्फ भारत ही अकेला आजाद नहीं हुआ था, उसी साल पैलेस्टीन प्रांत को भी ब्रिटिशों ने आजाद कहके घोषित किया था। उससे एक साल पहले यानी 1946 में ब्रिटिशों ने जॉर्डन देश का भी आजादी का घोषणा किया था। 1948 में श्रीलंका और म्यांमार देशों को भी ब्रिटिश छोड़कर चले जाते हैं, और फिर 1952 में इजिप्ट और 1957 में मलेशिया को भी ब्रिटिश छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ ब्रिटिशों ने ही नहीं, फ्रांस ने भी अपने अधीन में रहने वाले लाओस को 1949 में आजादी दी। 1953 में कंबोडिया और 1954 में वियतनाम को भी फ्रेंच छोड़कर चले जाते हैं, और डच भी अपने अधीन में रहने वाले इंडोनेशिया द्वीप समूह को भी 1949 में छोड़कर चले जाते हैं। मतलब 1945 से लेकर 1960 तक 15 सालों में एशिया के काफी देशों को आजादी मिलती है, जिसमें भारत भी एक था। यानी भारत को गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से कुछ विशेष रूप से आजादी नहीं मिली थी, उसके लिए कुछ बाहरी कारण थे, और वही इन सारे देशों के आजादी के कारण बन जाते हैं, और वो थे पहला दूसरा विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप में हुई आर्थिक मंदी, और तीसरा विश्व संस्था का जन्म। इसके अलावा भारत की आजादी का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना है तो वो जाना चाहिए एडोल्फ हिटलर को। हिटलर ही भारत और इन सारे देशों की आजादी के मूल कारण है। अगर आप पूछते हैं कि ये कैसे है तो सुनो, दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कॉलोनियल पावर कंट्रीज को एक बड़ा नुकसान पहुंचाता है। हिटलर के मार के जवाब देते देते इनका पूरा तिजोरी काली होने लगता है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर हारा जरूर, लेकिन तब तक तो उसने अपने दुश्मन ब्रिटेन और फ्रांस की आधी कमर तोड़ दी थी। अगर अमेरिका ब्रिटेन के पक्ष में विश्व युद्ध में भाग नहीं लेता तो आज कहानी कुछ और ही होती। विश्व युद्ध से हुई मंदी की वजह से इन कॉलोनियल पावर्स को दूर समुद्र के पार रहने वाले अपने कॉलोनियल देशों को अपने नियंत्रण में रखना और वहां पर अपने मिलिट्री का खर्चा उठाना थोड़ा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि उनकी काफी मिलिट्री तो विश्व युद्ध में लड़कर मर चुकी थी। ऐसे में इन सारे देशों को अपने कब्जे में सुरक्षित रखना इनके लिए थोड़ा हावी पड़ जाता है, और इन देशों में भी जब चाहे तब जहां चाहे वहां बगावत होती रहती थी। और ऐसे वक्त में उन देशों में चाहे कोई भी नायक रहे और उनकी चाहे
कोई भी आंदोलन रहे, उस देश को छोड़ना उनके लिए अनिवार्य बन चुका था। दूसरे विश्व युद्ध में उनको जो नुकसान हुआ था उससे वो इस स्थिति में आके पहुंचे थे। लेकिन कोई भी देश अपने आजादी के वक्त में हिटलर को याद नहीं करता है, क्योंकि हिटलर एक क्रूर इंसान था। उसने जो भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया था, उसे दूसरे किसी का लाभ और नष्ट के बारे में उतना कुछ ज्यादा पड़ी नहीं थी। लेकिन उसने जो भी किया उससे इन गोरों के हाथ में आजादी के लिए लड़ रहे देशों को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाता है। इसके साथ साथ दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व संस्था जन्म लेती है, और ये विश्व संस्था आगे आने वाले भविष्य में फिर से इसी तरह के युद्ध होने से रोकने के लिए प्रत्येक रूप से कार्य रूप में आती है। पूरे दुनिया में शांति स्थापना करना विश्व संस्था का प्रमुख उद्देश्य रहता है। यूरोपीय सरकार दुनिया भर कर रहे कॉलोनियल रूल के बारे में और उन कॉलोनियल देशों में आजादी के लिए चल रही लड़ाई के बारे में विश्व संस्था को अच्छी तरह से पता था। इसीलिए इन सारे यूरोपीय कॉलोनियल पावर्स को अपने कॉलोनीज को छोड़कर जाने के लिए और उन कॉलोनियल देशों को आजादी देकर वहां पर शांति स्थापना करने के लिए विश्व संस्था आदेश देती है। ये भी ब्रिटिश भारत छोड़कर जाने के लिए एक खास वजह है। और अगर भारत के आजादी का श्रेय को किसी एक भारतीय नायक को देना है तो वो श्रेय जाना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी को, क्योंकि जब ब्रिटेन और जर्मनी विश्व युद्ध में लड़ रहे थे तब इनके लड़ाई को हमें हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करना है कहके बताने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय सिपाही जब ब्रिटेन के पक्ष में विश्व युद्ध में लड़ने जाते हैं और वहां पर जब हिटलर की नाजी आर्मी उनको पकड़कर बंदी बना लेती है, तब यही वो सुभाष चंद्र थे जिन्होंने ना ही सिर्फ उन सिपाही को हिटलर के कब्जे से छुड़वाया था बल्कि उन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित भी किया था। आजादी पाने के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें हमारी खुद की एक आर्मी चाहिए कहके इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। 1942 में जब गांधी जी क्विट इंडिया आंदोलन चलाते हैं तब वहां पर करो या मरो कहके एक नारा लगाया जा रहा था। उस नारे को इस्तेमाल करने की प्रेरणा सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। उन्होंने इसे 1938 में ही गांधी जी को कहा था, लेकिन गांधी जी उस वक्त इसे नहीं सुने थे, क्योंकि गांधी जी एक पक्का अहिंसावादी थे और नेताजी आजादी के लिए कौन बहाना जरूरी है कहके मानने वाले थे। अगर विश्व युद्ध नहीं होता तो गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन का सामना करना ब्रिटिशों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आजादी के जंग को वो पिछले 70 से 80 साल से देखते आ रहे थे और उन्होंने उसे काफी दबा के भी रखा था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट अटली ने भारत को आजादी घोषित करते वक्त गांधीज नॉन वायलेंस मूवमेंट हैड नेक्स्ट टू जीरो इफेक्ट ऑन द ब्रिटिश कह के बता दिया था। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। वही दूसरी तरफ नेताजी की लड़ाई ने तो ब्रिटिशों की नींद ही उड़ा दी थी। भारत के ब्रिटिश आर्मी में 80% तो भारत के सिपाही थे और नेताजी ने उन सारे सिपाहियों को ब्रिटिशों के खिलाफ खड़ा होने के लिए सूचित किया था। और ऐसे इन सिपाहियों के निष्ठा और प्रामाणिकता के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। उनकी प्रामाणिकता भारत के धरती के लिए या फिर ब्रिटिश सरकार के लिए कहकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इससे ब्रिटिश आर्मी में रहने वाले भारतीय सिपाही किसी वक्त में भी ब्रिटिशों को धोखा दे सकते थे और ये डर ब्रिटिश अधिकारियों का जीना हराम कर देता है। भारत जैसे बड़े राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटेन से आर्मी लेकर आना और वो भी इतने बड़ी संख्या में, ये उनके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत आजाद होने से पहले ही नेताजी का देहांत हो जाता है। नेताजी गांधी जी के आदर्शों पे नहीं चले, इसीलिए आजादी के रूपकारों से उन्हें दूर रखा जाता है। स्कूल में बच्चों को भी नेताजी के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। मैंने पहले ही कहा हमें जो सिखाया गया है हम वही सीखकर बड़े हुए हैं। आप चाहे तो आपको ही पूछ लीजिए, आपको गांधी जयंती कब है पता है, नेहरू के जन्मदिन चिल्ड्रंस डे कब है पता है, लेकिन क्या आपको सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन कब है ये पता है? आजादी के पहले 500 से अधिक संस्थानों में बटे गए हमारे देश को एक सुदृढ़ भारत बनाने के लिए मेहनत करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन कब है पता है? वो तो अभी अभी गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी खड़ा होने के बाद अक्टूबर 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस कहकर मनाया जाता है, इसीलिए ये अभी कुछ लोगों को पता हो सकता है। लेकिन यही सवाल अगर 5 साल पहले पूछा होता तो ज्यादातर किसी लोगों को भी ये बात पता नहीं थी। इसका कारण हमारे एजुकेशन सिस्टम है या हमारे इतिहास को जानने में हमें जो निर्लक्ष्य है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। जब स्वतंत्रता दिवस की बात होती है तब हमारे देश की आजादी के लिए जिन सब ने लड़ाई की है और अपनी जान दी है उन सबको याद करना चाहिए। हम करते भी हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात जब हमारे आजादी के निरूपक के बारे में आती है तब उसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हमारे आजादी के लड़ाई में जिन जिन्होंने भी भाग लिया है उन सभी को जाना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। इसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन तो हमेशा खाली ही रहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर भी करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। इस चैनल में ऐसी और भी विषय को आपके सामने लाने की कोशिश तो मेरी जारी ही रहेगी। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर।